इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्यपुस्तिका पर्यावरण कक्षा 4 पाठ 2 स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय। पहला प्रश्न है, अपने आसपास की वस्तुओं के नाम एवं उन्हें किसने बनाया है निम्न तालिका में लिखिए। तो यहाँ लिखा है वस्तुओं के नाम और उसको किसने बनाया, तो लिख देंगे जैसे घर, घर को कौन बनाता है? राजमिस्त्री। लकड़ी का दरवाजा, इसको बनाएगा बढ़ई। फावड़ा, हसिया, खुरपी आदि ये सब सामान कौन बनाता है? लोहे के सामान, लोहार। अगला प्रश्न, लकड़ी से बनी वस्तुओं के नाम एवं उन्हें किसने बनाया है निम्न तालिका में लिखिए। लकड़ी से बने वस्तुओं को लिखना है, तो जैसे ये लिखा है लकड़ी से बनी वस्तुएं कहाँ पर बनती हैं? दुकान, कारखाना, घर, और किसने बनाया है? तो लिख देंगे कुर्सी, इसको कौन बनाता है? बढ़ई। और कहाँ बनता है? दुकान पर या घर पर। मेज, ये भी बढ़ई बनाता है, ये भी दुकान या घर पर बनता है। दरवाजा या बेंच, ये भी बढ़ई बनाता है और दुकान या घर पर बनता है। अगला प्रश्न, लकड़ी के सामान बनाने में निम्न में से किन औजारों का उपयोग होता है? उन पर सही का निशान लगाइए। तो देख लेते हैं, जैसे लोहे की आरी, ये काटने के लिए प्रयोग होता है, तो इस पर निशान लगा देंगे। ये आरी, ये भी प्रयोग होता है, इस पर लगा देंगे। ड्रिल मशीन, होल करने के लिए, इस पर लगा देंगे। हथौड़ी, इसका भी प्रयोग होता है। रंदा मशीन, इसका भी प्रयोग होता है। लुखानी, इसका भी प्रयोग होता है। फीता, इसका भी प्रयोग होता है। और यहाँ लिखा है कैंची, तो कैंची का प्रयोग लकड़ी का सामान बनाने में नहीं होता, तो इसको क्रॉस कर देंगे। अगला प्रश्न, यहाँ किसका चित्र दिखाया गया है? तो ये चित्र है, ये मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो यहाँ लिख देंगे कुम्हार, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। वे कौन सा काम कर रहे हैं? तो यहाँ लिख देंगे मिट्टी के बर्तन बनाने का, अर्थात कुम्हार का क्या काम क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाना। अगला प्रश्न, नीचे दिए उपकरण का उपयोग लिखिए। तो ये उपकरण लिखा है, बनाया गया है, और ये चाक है जो कुम्हार प्रयोग करता है। तो लिखेंगे यहाँ, इस उपकरण से मिट्टी के बर्तन जैसे दिया, सुराही, घड़ा आदि बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, दर्जी के पास कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं? उनके नाम एवं उपयोग तालिका में लिखिए। तो यहाँ सामान दिया हुआ है, उसका नाम लिखना है और क्या उपयोग है वो बताना है। तो जैसे ये है धागा, तो यहाँ लिखेंगे धागा, और इसका काम है कपड़े की सिलाई में। कैंची, तो कैंची से क्या करते हैं? कपड़ा काटना। ये है बटन, तो बटन कपड़ों को पहनने में प्रयोग होता है, इसको कपड़े में लगाया जाता है। और ये है सिलाई मशीन वाली सुई, तो यहाँ लिखेंगे सुई, और ये सिलाई मशीन में कपड़ा सिलने में काम आता है। अगला प्रश्न, आप किन किन फसलों के नाम जानते हैं? तो बहुत सारी फसलें हैं, यहाँ कुछ फसलों के नाम लिखे हुए हैं, धान, गेहूं, बाजरा, चना, मक्का, सरसों, जौ, आलू आदि। अगला प्रश्न, ललित को गेहूं की खेती करनी है, नीचे दी गई खेती की प्रक्रिया को सही क्रम में लगाइए। तो यहाँ सारी प्रक्रियाएं दी गई हैं, तो इसको शुरुआत कहाँ से करते हैं और अंत कहाँ होता है, इस तरह से क्रम में लगाना है। तो देख लेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले खेत की जुताई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे एक। उसके बाद क्या करेंगे, बीज बोएंगे, बीज बोना, यहाँ लिख देंगे दो। इसके बाद क्या करेंगे, खेत को साफ सुथरा करेंगे, निराई, ये हो जाएगा तीन। इसके बाद जब फसल थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो उसमें करेंगे सिंचाई, ये हो जाएगा चार। फिर उसमें डालेंगे उर्वरक या खाद, यहाँ लिख देंगे पाँच। और उसके बाद फसल तैयार हो जाएगा तब करेंगे फसल की कटाई, यहाँ लिखेंगे छः। और उसके बाद कट जाएगा, उसके बाद उसको करेंगे
फसल की खंदाई, ये लिख देंगे 7। और उसके बाद फसल जब कट के आ जाएगी, सब हो जाएगा, तो उसको रखेंगे भंडारण, यहाँ लिख देंगे 8। इस तरह से क्रम से इसको लगा लेंगे। अगला प्रश्न, खेती करने के लिए ललित को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब खेती करने में क्या क्या प्रयोग होगा, तो हल, पहले हल चलते थे, अभी ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर, फावड़ा, खुरपी, हसिया, पानी की मशीन आदि, आप यहाँ कंबाइन वगैरह भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र कौन से व्यवसाय को दर्शाता है। पहले चित्र आप देख लीजिए, ये चित्र है, ये लोहे का काम कर रहा है, इसको कहते हैं लोहार। तो अब यह प्रश्न है, यह चित्र कौन से व्यवसाय को दर्शाता है, तो ये है लोहार, इसको इंग्लिश में ब्लैक स्मिथ कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, तो ये लोहे के औजार बनाते हैं, जैसे कुदाल, खुरपी, चाकू, ये इस तरह के, यहाँ लिखना भी है। ये क्या क्या बनाते हैं, तो लिख देंगे हल बनाएंगे, खुरपी, कुदाल, हसिया, चाकू, आजकल तो और भी काम जैसे घरों में लगने वाले ग्रिल वगैरह भी लोहार ही बनाते हैं, तो ये सब लिख देंगे। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी राजगीर को दीवार बनाते देखा है। इसे बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो आप लिख देंगे यहाँ हाँ, देखा है, घर बनते हुए लगभग सभी ने देखा होगा। क्या क्या लगता है, करनी या कन्नी, कन्नी को करनी भी कहते हैं, ये लगेगा, धागा लगता है, फीता, गुनिया, लेबर, बसुली, फंटा, गुरुमाला आदि सामानों का प्रयोग घर बनाने के लिए राजगीर के पास होता है। अगला प्रश्न, कौन सा काम राजगीर नहीं करता है। तो ये काम दिए गए हैं, सीमेंट और मोरंग को मिलाता है, ईंटों को उठाने और रखने के लिए, और दीवार को रंगता है। तो ये दोनों काम तो राजगीर का है, लेकिन दीवार को रंगने का काम ये पेंटर का है, तो इसको वो नहीं करता है, तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे। अगला प्रश्न, डॉक्टर के उपकरण के नाम एवं उपयोग तालिका में लिखिए। तो देखेंगे, ये डॉक्टर गले में लटकाए रहते हैं, इसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, इसका काम क्या है, दिल की धड़कन नापना, और ये वजन तौलने की मशीन है, तो यहाँ लिखेंगे वजन मशीन, और काम क्या है, वजन नापने के लिए। और ये है थर्मामीटर, जो हाथ के नीचे या मुंह में लगाते हैं डॉक्टर, इससे बुखार नापा जाता है, तो बुखार नापना। और ये है सिरिंज, ये इंजेक्शन लगाने के काम में आता है। अगला प्रश्न, नीचे दिखाए गए चित्र में कौन सा काम हो रहा है। इस तरह के काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं, वे और कौन कौन से काम करते हैं। तो यहाँ आप चित्र देख लेंगे, ये मोची चमड़े वाले काम करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे जूते को सही किया जा रहा है, इसमें इस काम को करने वाले को मोची कहते हैं। इसके अलावा चप्पल सिलना, बैग सिलना आदि भी इनका काम है। अगला प्रश्न, आपका जूता चप्पल टूट जाता है, तो आप निम्न में से किसके पास जाते हैं। तो इसका उत्तर यही ऊपर वाले प्रश्न में है भी, तो हम जाएंगे मोची के पास, यहाँ दिया है लोहार, कुम्हार, धोबी और मोची, तो मोची पर सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न, शिक्षक हमारे समाज के लिए किस तरह उपयोगी है। तो शिक्षक तो हर तरह से उपयोगी है, यहाँ लिख देंगे शिक्षक हमारे समाज के बच्चों को शिक्षित करते हैं तथा बच्चों के बहुमुखी विकास में सहयोगी होते हैं। अगला प्रश्न, वकील क्या काम करते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, वकील समाज में होने वाले विवादों का निपटारा करवाते हैं। अगला प्रश्न, नौका घर का इस्तेमाल कैसी जगह पर किया जाता है।
नौका घर अर्थात ऐसा घर जो पानी में चलता रहता है। तो यहाँ लिखेंगे नौका घर या बोट हाउस, इसको इंग्लिश में बोट हाउस भी कहते हैं। नौका घर या बोट हाउस का इस्तेमाल पानी वाले जगह जैसे नदी में किया जाता है। अगला प्रश्न, क्या आपको नौका घर में रहना अच्छा लगेगा, क्यों? तो इसमें ज़्यादातर लोगों को अच्छा ही लगेगा, नई चीज़ है, तो लिख देंगे हाँ, क्योंकि वहाँ से पानी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है और नदी के बीचों बीच जाकर घूमने का आनंद मिलता है। इसका उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, आपने कहाँ कहाँ तंबू लगे हुए देखा है? तो देखा होगा मेले में कभी कभी लगा रहता है, शादी में, सामियाने में लगा रहता है, आर्मी कैंप में, और भी कई जगह पर तंबू लगा हुआ होता है। इस तरह से आप पूरे एक्सरसाइज को कर सकते हैं।